8 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे का समय बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर कोठिया टोला के जंगल में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सूचना थी कि यहां कुछ नक्सलियों का मूवमेंट है। हॉक फोर्स की टीम ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया और नक्सलियों को घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। करीब एक घंटे बाद फिर सन्नाटा पसर गया। सर्चिंग शुरू हुई तो एक लाश मिली। ये लाश थी 14 लाख रुपए के नामी नक्सली उकास सोहन की। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। उम्र सिर्फ 30 साल थी, लेकिन खौफ 3 राज्यों में था। बालाघाट SP समीर सौरभ ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक नक्सली कुकर बम का इस्तेमाल करते रहे हैं और सोहन IED ब्लास्ट का एक्सपर्ट था। अगर जिंदा होता तो मध्य प्रदेश के लिए खतरा बढ़ जाता। बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के कोठिया टोला के जंगल में पुलिस को GRB और KB डिवीजन के नक्सली समूह के सिविल कपड़ों में राशन पानी के लिए आने की सूचना मिली थी। 10 से 12 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर जब हॉक फोर्स ने उन्हें रोका तो फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उकास सोहन मारा गया। उसके पास से 315 बोर की राइफल और केनवुड का वायरलेस सेट बरामद किया गया है। SP समीर सौरभ का कहना है कि जंगल में अब भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। हमें उम्मीद है कि कुछ और नक्सली या तो मरे हैं या घायल हैं। हॉक फोर्स की टीम के साथ DIG मुकेश कुमार श्रीवास्तव और SP समीर सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनकाउंटर की जानकारी दी। 3 राज्यों की पुलिस को थी सोहन की तलाश। DIG मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सोहन को 3 राज्यों की पुलिस तलाश रही थी। मध्य प्रदेश में उस पर 3 लाख रुपए का इनाम था, जो सबसे कम था। छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपए और महाराष्ट्र में तो 6 लाख रुपए का इनाम था। उसके ऊपर इन 3 राज्यों की पुलिस को वो पिछले करीब 10 साल से चकमा दे रहा था। सोहन की उम्र करीब 30 साल की थी। वह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के पूर्ववर्ती गांव का रहने वाला था। 2013 में नक्सली संगठन में भर्ती हुआ। फिलहाल KV डिवीजन का सक्रिय सदस्य था। पुलवामा और पठानकोट में आतंकियों ने IED ब्लास्ट किया था। सोहन भी IED ब्लास्ट का एक्सपर्ट था। IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये भी एक तरह का बम होता है, लेकिन यह सामान्य बम से ज्यादा सेंसिटिव होता है। मैग्नेटिक ट्रिगर, इंफ्रारेड, रिमोट या प्रेशर से भी ट्रिगर हो सकता है। इसकी मारक क्षमता भी सामान्य बम से अधिक होती है। SP समीर सौरभ ने बताया कि वर्ष 2021 में पड़ोसी राज्य के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए एनकाउंटर में कई नक्सली मारे गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान MMC जोन प्रमुख दीपक तिल तूमड़े के साथ नक्सली उकास भी शामिल था, लेकिन तब वह बचकर निकल गया था। नक्सली सोहन उकास प्रदेश में मुखबिर की हत्या सहित अन्य 8 नक्सली अपराधों में शामिल रहा, जबकि अभी बालाघाट पुलिस महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के राज्यों में नक्सली सोहन पर दर्ज अन्य मामलों की जानकारी ले रही है। जिले में बालाघाट पुलिस को नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत 2.25 वर्षों में ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। इस अवधि के दौरान बालाघाट पुलिस ने 7 एनकाउंटर में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा इनाम के 13 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया है। सोहन 20 साल की उम्र में ही नक्सली संगठन से जुड़ गया था। उसकी मौत से 3 राज्यों की पुलिस ने राहत की सांस ली है। ये सही है। और पुलिस को विगत कुछ दिनों से सूचना मिली कि काठिया टोला के पास जो आपका करियादंड का जंगल है, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के मूवमेंट की सूचना है। ये भी प्रामाफेसी पता लग गया था कि वो नक्सली है और उनका प्राइम मोटिव था कि वहाँ पे जो मुखबिरों की हत्या करना और दूसरा वहाँ से राशन पानी बलपूर्वक लेके जाना। इस वर्ष हमारी एक टीम भी वहाँ पर SP बालाघाट और CO हॉक फोर्स के निर्देशन में वहाँ पर ऑपरेशन कर रही थी, सर्चिंग कर रही थी। वो 24 लोगों की टीम थी, उसका लीड रामपदम शर्मा कर रहे थे जो वहाँ के SOG चीफ है। और वहाँ पर जब ये लोग अंदर जंगल में पहुँचे तो एक जगह पर इनको वहाँ कुछ घने जंगल में और पेड़ के आसपास कुछ व्यक्ति 10 से 12 लोगों के वहाँ पर एकदम आने जाने की इनको दिखाई दिए। तो और जो सिविल ड्रेस में थे और उनकी विशिष्ट वेशभूषा थी और कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ सभी लोग वेपन लिए हुए थे और छिपाए हुए स्थिति में थे, जो आमजन प्रतीत नहीं हो रहे थे। जैसा कि अभी जानकारी भी मिली, आपको बताया भी गया है कि वहाँ उसका जो काठिया टोला का गाँव में इतने आदमी एक साथ मूवमेंट कर ही नहीं सकते। इस पर इन लोगों ने उनको पूछताछ शुरू की तो उनने फिर इनको गाली गलौज दी और दूसरा इनसे लाल सलाम बोला और ने पुलिस पर फायर भी खोल दिया। इस पर तो हमारी पुलिस की टीम ने भी अपने आप को आड़ में लेते हुए काउंटर इसमें फायर किए और इसके बाद फिर काफ़ी देर तक, करीब 20 से 25 मिनट तक इसमें फायरिंग चलती रही। 11:30 से लेकर 12 बजे तक फायरिंग चलती रही। जब बाद में जब कुछ सब जगह शांति हो गई तो पुलिस ने सर्चिंग की तो वहाँ एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिला था,
जो सिविल ड्रेस में था उस पर 315 बोर का वेपन था, और वो बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन उकास के रूप में हुआ था, जो ACM था कानापरम द्वीप कमेटी का, और पहले ये दीपक तेल तुमड़े इसके साथ एक काम कर चुका था, बहुत सारे इसमें अपराधों में शामिल था छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो इस और उसके बाद पुलिस के द्वारा और CRPF की टीम द्वारा निरंतर इसमें सर्चिंग भी की गई है, और 30 से 40 राउंड इसमें पुलिस के द्वारा फायर किए और उनके द्वारा करीब 80 राउंड के आसपास फायर किए गए। और ये बालाघाट पुलिस का विगत सवा दो साल के इसमें टाइम पीरियड में 13 नक्सली ख़त्म हुए हैं और 7वां इनकाउंटर था जिसमें 3 करोड़ के आसपास के इनामी नक्सली यूटिलाइज हुए हैं। और इसके सबसे बड़ी विशिष्ट उपलब्धि ये है कि ये चूँकि ID एक्सपर्ट था और इसका न्यूटिलाइज होना मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए और इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों के लिए बड़ा ही पॉजिटिव रहेगा, अन्यथा यहाँ पर आगे चल के ब्लास्ट की स्थिति भी बन सकती है। एक बात और सामने आ रही है चीज, सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।